नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई क्लास के साथ। भानु प्रताप आई एम प्रेजेंट। रेखा गोला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रेखा जी। अंकित जोशी हेलो, अंकित जोशी नो सर, क्या नो अंकित, क्या बोल रहा है, क्या नो सर। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं। आज एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के हम चल रहे हैं हमारी लाइव में। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 01 प्रतिशत की बात करेंगे आज। स्टार्टिंग से जीरो से सीखेंगे। आकांक्षा राजपूत गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। खुशबू गुड इवनिंग। नीरज राधे राधे सर। मिस्टर गौरव पानोरी राम राम गुरुजी। राखी राम राम। सभी का स्वागत है। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ हम परसेंटेज को बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और टॉप तक। क्यों? क्योंकि ये अकेला टॉपिक नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, है ना, ये सब एक ही टॉपिक है मेरे हिसाब से। सब में वही परसेंटेज है, सब में वही घूम फिर के परसेंटेज आ जाता है। तो हर एक चीज की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक और बात, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, पहले आप सबको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो बेफिक्र रहिए। चलिए परसेंटेज जीरो टू हीरो वाली क्लास, है ना, जीरो टू हीरो वाली क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक की। और ये परसेंटेज टॉपिक जो है वो कई चीज़ों में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बात और ढंग से सुनना, पूरी वीडियो सभी बच्चों को लाइव देखनी है, पूरी वीडियो सभी बच्चों को लाइव देखनी है। एक बार लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इससे और 5 टॉपिक जुड़े हुए हैं आज की क्लास से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूँ, आज केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बस। परसेंटेज है क्या, किस तरीके से उसका यूज किया जा सकता है, और परसेंटेज को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। गौरव पानोरी गुरु जी की है, कल के वो क्वेश्चन करा दो। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बिल्कुल कल के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, अभी बिल्कुल करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। आज की क्लास स्टार्टिंग से पहले मैं आपके कल के क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, है ना। कल क्वेश्चन दिए थे 2, शायद आप लोगों ने नहीं किए हैं, आई थिंक लिए होते तो नहीं पूछ रहे होते। बिल्कुल कल वाले आपके क्वेश्चन करा दूंगा मैं। और कोई प्रिया होलकर, राधे राधे सर, राधे राधे प्रिया जी। चलिए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और मैं जो बता रहा था वहीं कंटिन्यू करता हूँ। आज की क्लास में केवल और केवल अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का यूज कैसे कैसे अपन कर सकते हैं, क्या परसेंटेज को भिन्नों की तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या परसेंटेज को कोई अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। और एक और बात, देखो मेन चीज, आप परसेंट को कैसे भी पढ़िए, आप परसेंटेज को कैसे भी पढ़िए, डिपेंड ये करता है कि जो प्रश्न आएंगे पेपर में क्या वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस, ठीक है। तो मेन उद्देश्य तो हमारा ये रहेगा कि जो भी हमारे एग्ज़ाम में, जो भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी बात करेंगे। इरफान खान राम राम गुरु जी, राम राम इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो एक बात याद रखनी है हमें कि कॉन्सेप्ट समझनी है चीज़ों को एक एक करके। शुरुआत करते हैं बिल्कुल परसेंटेज की। देखिए बात कर लेते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत है क्या, पहली बात तो देखिए, PERCENT परसेंट, हिंदी अर्थ बात करें हम, प्रतिशत, ठीक है, क्या है परसेंट। तो देखिए हमने इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पर है, पर का मतलब क्या होता है, प्रतीक, सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, अर्थात प्रत्येक 100, प्रत्येक 100, ठीक है। हिंदी में बात करें प्रति, प्रति मतलब प्रत्येक, तत् मतलब, कहने का मतलब परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज जो है वो प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई है, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई है। बात समझ में आ रही है, परसेंटेज क्या है।
प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई परसेंटेज है। जैसे फॉर एग्जांपल ईश्वर गुर्जर, जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम भैया। देखिए क्या है बीमारी वो सुन लीजिए आप। जैसे हमने मान लीजिए बात की 10 गायों की, है ना, कोई राम है, मान लीजिए राम, मिस्टर राम, राम के पास जो है वो 10 गाय है, ठीक, और इन 10 गायों को हम बात करना चाहते हैं प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत हैं। तो यहां 10 की जो काउंटिंग है वो होगी प्रतिशत, अर्थात प्रत्येक 100 पर काउंट करनी पड़ेगी, प्रत्येक 100 पर। या फिर एक और उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके लिए लेता हूं। दो विद्यार्थी हैं, एक ए है एक बी है। ए को मिले मान लीजिए किसी एग्जाम में 700 नंबर, एग्जाम था उसमें 700 नंबर मिले। बी को किसी एग्जाम में मिलते हैं मान लीजिए 1600 नंबर, ठीक, एग्जाम था, ए को मिले 700 नंबर, बी को मिले 1600 नंबर, ठीक। अब बात हुई क्या, अभिनव चरण स्पर्श गुरुजी, अभिनव बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। अब बात यह हुई ए को 700 मिले, बी को 1600 मिले, दोनों में बात शुरू हुई। ए ने कहा बी से कि यार तुझे तो 1600 नंबर मिले और मुझे देख केवल 700 ही मिले, मेरे नंबर तो बहुत कम है, तेरे बहुत ज्यादा है। दोनों में आपस में बहस होने लगी, दोनों मेरे पास आए कि सर बी को मिले 1600 नंबर, मुझे मिले 700 नंबर। अब बात आई मिले कितने में से हैं, इसके ज्यादा है इसके कम है, मिले कितने में से। मान लीजिए ए को मिले हैं 700 नंबर 800 में से, बी को मिले हैं 1600 नंबर 2000 में से। सर कितने में से भी मिले हों, चाहे 2000 में से मिले हों, चाहे 800 में से मिले हों, लेकिन बात तो यहां पर यह आ रही है कि नंबर हैं बी के ज्यादा, तो मैंने उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए परसेंटेज के तरीके से समझाया कि भाई देख इसको मिले 700 नंबर, मिले कितने में से 800 में से, 800 में 700, और इसको मिले 1600 नंबर, मिले कितने में से 2000 में से। क्लियर। अब मैं इनको परसेंट में कन्वर्ट करता हूं, देखता हूं किसको कितने परसेंट ज्यादा मिले या किसको कम मिले। क्या किया, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 100 कर दिया। क्यों, क्योंकि 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 700/8, तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल, 160/2, दो से काटा इसको मिले 80% नंबर, इसको 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, 8 × 8 = 64, 64 गया बचा कितना 6, 8 × 7 = 56, लगभग 87% और इसको मिले 80%। अब बताओ ए के नंबर ज्यादा है या बी के, भाई नंबर तो ए के ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा क्या, 100 को आधार मान के, कि अगर इसको भी 100 मिले होते 100 में से और इसको भी 100 में से मिल रहे होते, इसको 100 में से मिलते कितने, लगभग 87 नंबर, इसको 100 में से मिलते कितने, लगभग 80 नंबर। एक को 100 में से 87 मिले, एक को 100 में से 80 मिले, तो बताओ इसके ज्यादा हुए नंबर या इसके ज्यादा, भाई ए के ज्यादा हुए, जाहिर सी बात है। चलिए एक और बात अपन करते हैं, देखिए यहां एक और बात, कुछ कॉन्सेप्ट, भानु प्रताप 87.5, हाँ भानु जो भी आ रहा है, एक्स वाई जेड डजंट मैटर, मैंने बता दिया लगभग 87 है ना, और आप तो कॉन्सेप्ट समझिए, चीजों को पकड़िए किस हिसाब से क्या करना है। परसेंटेज, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली इकाई, परसेंटेज का मतलब ही क्या है, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने
वाली इकाई प्रतिशत कहलाती है। बात करें परसेंटेज के चिन्ह की, तो सर ये चिन्ह होता है इस हिसाब से। अब इस चिन्ह की वैल्यू क्या है वो सुनिए, यहां समझ लेना एक एक चीज को। ये चिन्ह है परसेंटेज का, और इस चिन्ह का अर्थ क्या है? इस चिन्ह का अर्थ है सर प्रत्येक सौ, अर्थात यदि ये चिन्ह हटाना है, इसका मतलब ही क्या है, प्रत्येक सौ पर काउंट हो रहा है। कितने पर काउंट हो रहा है? प्रत्येक सौ पर। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था ये चिन्ह का अर्थ क्या है, बताओ। या ये तो हो गया परसेंट, प्रत्येक सौ पर काउंट, ये क्या लिख रहा है, ये किस चीज का चिन्ह है? लग तो परसेंट जैसा ही रहा है, किस चीज का सर? भाई ये जो चिन्ह है किस चीज का है? ये तो परसेंट का हो गया ऊपर वाला, ये किसका है? तो देखिए सुनिए, पर सेंट का तो ये हो गया, और इसके पीछे एक जीरो और सौ के पीछे एक जीरो और बढ़ाओ तो क्या हो गया, हजार, अर्थात प्रत्येक हजार, प्रत्येक हजार पर, पर थाउजेंड, पर थाउजेंड का चिन्ह है ये। एक और बिंदी बढ़ाऊंगा, पर टेन थाउजेंड, दस हजार। इकाइयां बदलती रहेंगी, जीरो बढ़ती रहेंगी जितनी बिंदी बढ़ेंगी। यहां पर सेंट दो थी तो सौ, यहां तीन है तो हजार, चार होती दस हजार, उस हिसाब से काउंटिंग बदलती रही है। अब ये पर थाउजेंड वाला चिन्ह जो है, बिल्कुल भानु प्रताप, ये पर थाउजेंड वाला चिन्ह कहाँ काम में लिया जाता है, सुन लीजिए। जैसे किलोग्राम, भाई एक किलो में एक हजार ग्राम, जैसे लीटर, एक लीटर में, सॉरी एक लीटर में एक हजार मिलीलीटर, इस हिसाब से ये काम में लिया जाता है। ये दो बातें हुई। अब आपको पूरे टॉपिक में सुनिए, कौन कौन से टॉपिक में, पहला टॉपिक आपका प्रतिशत, दूसरा टॉपिक आपका बट्टा, तीसरा टॉपिक आपका लाभ और हानि, चौथा टॉपिक आपका साधारण ब्याज, पांचवा टॉपिक आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इन सब टॉपिकों जो हम पढ़ेंगे तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, सिर्फ तीन चीजें बस। इन तीन चीजों के आधार पर प्रत्येक प्रश्न आपका हो जाएगा और सभी प्रश्न हम कर लेंगे। कौन सी तीन चीजें याद रखनी है? पहली बात आपको याद रखनी है कि यदि इस परसेंट के चिन्ह को हमें लगाना है कहीं, तो मल्टीप्लाई हंड्रेड का करना है। देखिए मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं वो उन बेसिक बच्चों को लेकर के चल रहा हूं जो गणित में बिल्कुल नए हैं अभी। जब आप ये चीजें सीख जाओगे तो फिर मैं आपको परसेंटेज का दूसरा लेवल बताऊंगा, पहले आपको ये तो आना चाहिए। नंबर एक, परसेंट का चिन्ह लगाना है तो गुणा में सौ। नंबर दो, अगर ये चिन्ह कहीं है और आपको इसे हटाना है तो इसका मतलब ही होता है बटे में सौ। और तीसरी बात, थर्ड, यदि कहीं प्रतिशत में आपको वृद्धि करनी है या कमी करनी है तो आप सौ में जोड़ोगे और सौ में घटाओगे। बस ये तीन बातें याद रखनी है। दोबारा सुन लो, परसेंट लगाना है तो गुणा में सौ करना है, परसेंट हटाना है तो बटे में सौ करना है, परसेंट में वृद्धि या कमी करनी है तो सौ में जोड़ना है और सौ में घटाना है। तीनों बातें याद रखनी है, अभी आने वाली हैं तीनों बातें। चलिए यहां तक कुछ बातें क्लियर हुई। सौ पर जो चीज काम में लिया, जैसे हमने मान लो सौ रुपये थे, इनमें से बीस रुपये खर्च कर दिए, कितने परसेंट कर दिए? बीस परसेंट खर्च हो गए। इन बातों की अपन बात करेंगे, पहले ये बातें सुन लो। प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली इकाई क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, इसका मतलब है प्रत्येक सौ, प्रत्येक सौ पर पांच, जैसे कहीं लिखा गया पांच परसेंट, इसका मतलब क्या है? पांच, किस पर? प्रत्येक सौ पर, तो सौ पे पांच, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये है पर थाउजेंड का, पर थाउजेंड, प्रत्येक हजार, क्लियर। जैसे यदि कहीं, चलिए मैं अगली स्लाइड ही ले लेता हूं डायरेक्ट, सुनना बातों को। यदि कहीं लिख रहा है पांच परसेंट, इसका मतलब क्या है? पांच है, परसेंट का मतलब प्रत्येक सौ पर, अर्थात पांच है किसमें से? सौ में से। अगर बात होती पांच और ये चिन्ह होता,
इसका मतलब क्या है? पर थाउजेंड, फाइव पर थाउजेंड अर्थात पांच, और किस पर? प्रत्येक हजार पर, वन थाउजेंड। कैसे लिखता? पांच बटे एक हजार। क्लियर? याद रहेंगे, ये चिन्ह पूछा जा चुका है एक बार, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूं यही, बाकी तो अलग से कहां लेते, तो यही ले लिया है परसेंटेज में। बातें समझ में आ रही है? पांच परसेंट, परसेंट मतलब प्रत्येक सौ, प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली इकाई परसेंटेज है। पर थाउजेंड, प्रत्येक हजार पर काम में ली जाने वाली इकाई पर थाउजेंड है, इस हिसाब से लेंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन। कॉमन क्या कि सुनते जाइए, यदि हम प्रतिशत को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्नों में आना चाहिए, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना हमें आना चाहिए, जाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए, सुनना, कहीं आया 50%, 50%, 50% का मतलब क्या हो गया? 50% को हटाऊंगा, जब भी परसेंट हटेगी बटे में क्या आएगा? जीरो से जीरो, पांच दूनी दस, अर्थात एक बटे दो। 50% मतलब एक बटे, बाकी हम 50% की वृद्धि होती है, 50% की कमी होती है, ये बात बाद में करेंगे। मतलब एक की वृद्धि हुई दो पे तो क्या हो गया? तीन बटे दो, ठीक है। एक की कमी हुई दो पे तो क्या बचा? दो में से एक गया तो एक बटे दो। चलिए, तो ये वृद्धि कमी बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं परसेंट, प्रतिशत और भिन्न में कन्वर्ट करना। 50% का मतलब हो गया एक बटे दो। अच्छा, इसी के परिवार से है 25%, ठीक है। याद रहे तो बहुत अच्छा है, याद कर भी लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं आ जाता अभी 800 का 50% होगा, हम क्या करते? हम करते 800 मल्टीप्लाई 50% ढाई बटे में 100, जीरो से जीरो, अठपन 40, 400 होगा। जबकि अगर हमें इसका परसेंट फ्रैक्शन में वैल्यू याद है तो हम क्या करते हैं? 800 का 50%, बड़ा आसान है यार। 800 का 50% का मतलब आधा करना है, एक बटे दो, कितना आ गया? 400 आ गया। क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए भानु प्रताप 0.5, आगे चलते हैं 25%, इसका आधा हुआ 25%, तो होगा क्या? 25% हटाया बटे में 100, 25 चौक 100, अर्थात एक बटे चार। भाई एक बटे दो का आधा नीचे वाले दो में गुणा कर दिया, एक बटे चार हो गया। चलो इसका भी आधा करते हैं तो 12.5%, 12.5% का मतलब तरीका तो वही है करने का, 12.5/100, परसेंट हटाऊंगा बटे में 100, ये भी हटाया जीरो आ गया, पॉइंट हटाया तो 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौक 140, 5 एकम 5, 5 40, 1/8। मान लीजिए प्रश्न आ जाए 800 का 12 सही 1/2% होगा, अब हम क्या करें? 800 इंटू 12 सही 1/2% हटाया बटे में 100, आगे 800 गुणा 12 दूनी 24 और एक 25/2/100, दो जीरो से दो जीरो कट, 8 इंटू 25/2, दो से काटा 4, 25 चौक कितना आया? 100, कितना आया? 100। अब हम इतना बड़ा इसको करके देंगे तब उत्तर आ रहा है 100, जबकि यदि हमें फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू पता है तो सीधा सीधा कर देंगे। क्या 800 का पूछा है सर 12.5, या हम कहें 12.5, 12 से ही 1/2% होगा, तो 800 का 1/2% क्या होगा? तो सुन लीजिए क्या होगा, सीधा निकाल लेंगे। जब हमें याद है फ्रैक्शन कि 800 का 12.5 का मतलब क्या है? 1/8, तो 800 का 1/8 निकालना है, 1/8, 8 का भाग दिया 100, एकम 100। डिफरेंस समझ में आ रहा है चीजों का? नितेश एंड हेमा जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे सर, राधे राधे, बात समझ में आ रही है? अभी मैंने 800 का आपको 12.5% बेसिक से निकाल के दिखाया था, एक बार भले और देख लो। 800 का 12 से ही 1/2% होगा,
देन 800 इंटू 12 से ही 1/2% हटाया बटे में 100, 800 इंटू 12 दूनी 24 और 1/25 2/100 क्या हो गया, 800 इंटू 25 100 ऊपर गया तो क्या हो गया 200, 2 0 2 0 2 4 8 25 4 100। अब मैं इतना करने के बाद यदि उत्तर ला रहा हूं 100 तो व्यर्थ है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यही आ रहे हैं, देखिए आप भाई 12.5 का मतलब क्या है। आज की क्लास देखिए, आज मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, केवल आप समझाने की चीजें हैं बस, मतलब एक मैप तैयार कर रहे हैं अपन, क्या चीज हमें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। 12.5% का अर्थ 12.5/100, 5/40 1/8, मैंने सीधा सीधा कर दिया, 800 का 12.5% होगा, तो 800 का 12.5 का मतलब याद है मुझे क्या, 1/8, तो 1/8 8 से 8 800 100 1 100 आ गया। अच्छा मान लीजिए याद भी नहीं है तो मैं निकाल भी लूंगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2 इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए अगर मुझे निकालना भी है तो 12.5/100 पॉइंट हटाया 0, 25 5 125, 25 4 100, 5 1 5 और 5 8 40 1/8। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। देखिए मान लीजिए ये 50 था, आधा हो गया, 50 का आधा किया 25, आधा हो गया 1/8, इसका भी आधा किया तो 1/8 हो गया। आगे चलते हैं, यदि मैं इसका भी आधा कर दूं, मतलब कि 6.25% या फिर 6 से 1/4 तो क्या आएगा, तो देखिए 6.25% हटाया बटे में 100, पॉइंट हटाया 20 बनी, 25 से काटा 25 दूनी 50, 25 5 125 बटे 25 4 100 400, 25 1 25, 25 1 25 कितना आया, तो यहाँ आ गया 25 गया तो कितना बचा 15 150, 25 6 150 तो 1/16। एक ही परिवार चल रहा है, अभी हम आगे बढ़े ही नहीं, अभी हम उसी परिवार को लेके चल रहे हैं, 50 का आधा, 25 का आधा, 12.5 का आधा, 6.25। यहां से हमें ये चीजें निकल के प्राप्त हो रही, मैं आपको करके बता रहा हूँ सॉल्व साथ के साथ, फ्रैक्शन कन्वर्ट भिन्न और भिन्न से कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी परसेंटेज कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन कन्वर्ट इंटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, 50% = 50/100 अर्थात 1/2, 25% = 25/100 अर्थात 1/4, 12.5% = 12.5% 100 काटा पीटा 1/8 आया, 6.25 इसका आधा किया तो इसका, देखो हर एक में आधा कर रहे हैं, नीचे 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा 4 का गुणा 2 8 का गुणा 2 16। अब देखिए, अब मैं इन्हीं को आधार मान के आगे चलता हूं, इन्हीं को यदि आधार माने तो इनके परिवार में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, तो सुनिए, यदि मैं 12.5 को उठाऊं, यहां से 12.5 था, 12.5 का मतलब था 1/8, कितना था 1/8, 12.5 का दोगुना करूं, 12 दूनी 24 और 1 25 25 का हमारे पास पहले से मान 1/4, 12 का तिगुना करना, 12 3 36 और 5 3 15 अर्थात 37.5, कितने गुना किया 3 गुना, क्या आएगी भिन्न, 1 का भी 3 गुना कर दो, 3/8 आएगी। पूछ ले प्रश्न कहीं, बताइए सर 800 का 37 से 1/2% होगा, कुछ मत करना 800 का सीधा कर देना, याद है 3/8, 8 से काटा 100 × 3 कितना आया 300, बात खत्म। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, 37 हो गया, फिर 4 गुना करूंगा, 3 गुना किया, अब 4 गुना किया, 12 4 48 5 4 20 50% है ये पहले से 1/8, 5 गुना किया 12 5 60 और 5 25 अर्थात 62.5%, जब 5 गुना किया तो 1/8 का भी 5 गुना कर दिया, क्या आ गया 5/8,
आपसे पूछे 12.5%, 37.5%, 62.5%, गौतम खटाना, राम राम गुरुजी, राम राम गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए 62.5 हो गया। अब 5 गुना किया, मान लीजिए मैं 6 गुना करूं, कितना आया? 75%। भाई 6 गुना किया, 12.5 60 है ना, 72 और 5 30, अर्थात 75% पूछ लिया जाए मतलब। तो 6 गुना किया तो क्या हो गया, 6/8 काटा 2 से 2, 2 3 6, 2 4 8, अर्थात 3/4। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी खंड में, 50% 25% 25% का 3 गुना करो, 25 थी 75%, तो 3/4 हो गया। लीजिए 75% बराबर 3/4, क्लियर है? एक ही परिवार घूम रहा है चारों तरफ, 50% मतलब आधा, 25% मतलब उसका आधा, 12.5 उसका आधा, 6.5 उसका आधा, 75% मतलब 25 का 3 गुना कर लो, चाहे इसका आप कर दो 6 गुना। अच्छा 7 गुना यदि हम करें, सोचो 12.5 × 7 करें, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3 लगा पॉइंट, 7 × 2 = 14 15 16 17 की 7 हासिल लगी 1, 7 × 1 = 7 और 1 = 8, 87.5 87.5। यदि प्रश्न में आ जाए कि 87.5%, इट मीन्स कितने गुना किया था, 7 गुना, तो 1/8 का भी 7 गुना कर दो, 7/8। एक ही खानदान के चल रहे हैं सभी बच्चे यहां तक, ठीक है भाई। 12.5% 1/8, इसका तिगुना किया तो 3/8, 5 गुना किया 5/8, 7 गुना किया 7/8। अब हम देखते हैं इसे, चलिए छोड़िए आगे की बात बाद में देखेंगे, पहले आपको ये बताओ ये बातें समझ में आ रही हैं भाई? प्रतिशत को फ्रैक्शन में अपन चेंज कर रहे हैं, भिन्नों में बदलना आ रहा है आपको। मान लीजिए अब कहीं कोई प्रश्न आया कि सर 400 का 87 से ही 1/2% होगा, तो क्या ऐसे करोगे क्या, 400 × 87 से ही 1/2% हटाया बटे में 100, फिर आगे किया 400 × 87 का दोगुना, 7 × 2 = 14 और 8 × 2 = 16, 175 174 और 175 175/2 × 0 0, 2 0 से 2 0, 2 से काटा 2 बार, कितना आ गया साहब, 300 आ गया, सॉरी 8 × 2 = 16 160 और 7 × 2 = 14 174 और 175 है ना, 2 से काटा 2, 175 × 2 = 350। क्लियर? अब इतना ना करने की बजाय आप ऐसे कर देना, 400 का 87 सही 1/8 87, किसका, 12 × 7 = 84 + 7 = 35, अर्थात इसका हो रहा है 7 गुना, तो 7/8 58 40 + 7 = 35 आ गया 350। डिपेंड आप पे करता है करना क्या है, है ना। आज केवल हम चीजों को समझ रहे हैं, आज हम केवल चीजों को समझ रहे हैं, कल से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे परिवार नोट करवाऊंगा। अब सुनिए, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है, केवल सुनना और समझना है। दूसरी बात, यदि कहीं फ्रैक्शन हो अर्थात भिन्न हो और भिन्न को मैं प्रतिशत में बदलूं, भाई उल्टा सीधा दोनों तरफ से आना चाहिए, हमने अभी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला था, भिन्नों को, सॉरी प्रतिशत को भिन्नों में बदला था, अब हम बात कर रहे हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ये वो कॉन्सेप्ट की चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है प्रश्न में कोई तरीका नहीं लगता, वैसे ही नॉर्मली इनसे कॉन्सेप्ट से हल हो जाता है। तो देखो मान लीजिए कहीं आया कोई भिन्न आ गई, जैसे आ गई 2/3, 2/3, या मान लीजिए 1/2 से शुरुआत करता हूँ मैं, कोई भी भिन्न ले लो एक्स वाई जेड, जैसे 1/2, अब मुझे प्रतिशत में बदलना है। याद करिए मैंने आपको अभी इससे पिछली स्लाइड में, यहां यदि कहीं परसेंट का चिन्ह लगाना है तो गुणा में क्या करना है, 100 बताया था। अब देखिए हमें यहां परसेंट लगाना है तो गुणा में क्या कर दूं, 100 किया मैंने,
वन बाई टू इंटू हंड्रेड और आ गया परसेंट, 2 से काटा 50, तो कितने परसेंट? 50%। मान लीजिए यहाँ होता 2/3, क्या करता? 2/3 इंटू हंड्रेड, 200 अपॉन 3, 3 6 18 बचा 2, 3 6 18 2 अपॉन 3%। मान लीजिए होता 5/8 बराबर, तो क्या करता? 5/8 गुना में 100 बराबर 500/8 भाग देता, दिया 8 45, 8 6 48 बचा 2, 8 2 16 बचा 4, 58 40 62.5%। कहीं होता 2 सही 3/4 कन्वर्ट इंटू परसेंटेज, 2 सही 3/4 को परसेंट में बदलिए, क्या करता सर? तो देखिए क्या करता, 4 2 8 पहले हाँ सिंपल फ्रैक्शन, 4 2 8 8 और 3 11/4 चेंज इंटू परसेंटेज इंटू 100। जब भी परसेंट में बदलना है गुणा 100 का करना है, 4 से काटा 25, 25 चौक 100, 11 का भाग दिया 11 पन्ना 55, 55 की 5 हासिल 5, 11 2 22, 22 और 5 27, 275% आ गया। कहीं बात यदि हमने की कि सर मान लीजिए 7/12 कन्वर्ट इंटू परसेंटेज करते हैं, 7/12 को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे इंटू किसका करेंगे? 100 का, 700/12 ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, 12 5 60, 12 5 60 बचा कितना? 10, 100 हो गया, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 गया, 4 बचा लगा पॉइंट बड़ी 0, 12 3 36, या फिर मैं लिख देता हूँ 4/12, चलिए 4 1 4 4 3 12 मतलब 58 सही 1/3%। क्लियर? यहाँ हमने दूसरी बात समझी, भानुप्रताप 50 हाँ जो भी है। देखिए अब हमने दो बातें समझ ली हैं, याद रखना कल से मैं शुरुआत करवाऊंगा, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज मैं कई सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहली बात हमने बड़ी, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आया हमको, आया ये मान 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 4/3 या 1/16, 1/8, 1/4, 1/, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। परसेंट में कन्वर्ट करना सीखे, भिन्नों में बदलना सीखे, फिर हमने भिन्नों को प्रतिशत में बदला। अब हम बात कर रहे हैं अनुपात की, रेशो है ना, अब हम बात कर रहे हैं रेशो, क्या तीसरी चीज, अनुपात इंटू परसेंटेज प्रतिशत एंड प्रतिशत इंटू रेशो, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? रेशो चेंज इंटू परसेंट करते हैं, रेशो को चेंज करते हैं परसेंट में, कैसे करेंगे सर? मान लीजिए कहीं आया 2:5, कहीं आया राम और श्याम के मध्य 2:5 का अनुपात है। अब ये अनुपात हमें परसेंट में चेंज करना है, करते हैं सर कैसे? तो आपको याद हो कि ए अनुपात बी है तो उसे ए अपॉन बी लिख सकते हैं, रेशो मैंने आपको पढ़ाया है, रेशो में आपको बताया था ए रेशो बी है तो ए अपॉन बी लिख सकते हैं, सेम वही करते हैं। 2:5 को प्रतिशत में बदलना है, 2/5 लिख सकते हैं। जब भी कोई चीज़ हमें प्रतिशत में बदलनी होती है अर्थात परसेंट लगाना होता है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 5 से काटा 20, 20 दूनी 40, हाउ मैनी 40%, कितना परसेंट आया बोलो? देखिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा, परसेंट से भिन्न बनाना, भिन्नों से परसेंट बनाना, परसेंट से अनुपात बनाना, अनुपात से परसेंट बनाना, सामान्य संख्याओं को परसेंट में बदलना और परसेंट को सामान्य संख्याओं में बदलना, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की हैं जो आपको आनी चाहिए। चलिए देखिए, सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए बस, है ना। मान लीजिए कहीं आ गया 7:8 चेंज इंटू परसेंट, बताओ एक बार करके बताओ 7:8 को क्या परसेंट लिख सकता हूं मैं, 7:8 को कितने प्रतिशत बना सकता हूं? 7:8 को क्या लिखूं परसेंटेज में? 7:8 चेंज इंटू परसेंटेज करो, कमेंट फटाक से कर दिया करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं होता। मान लीजिए कहीं आया 2:3, कहीं आया 5:4, है ना, कहीं आया 7:
दस आ गया मान लीजिए, या 7:20 आ गया, ऐसा कुछ आया। तो अनुपातों को परसेंटेज में चेंज करना हमें आना चाहिए सर। करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 7:8 अर्थात 7/8 परसेंट इंटू किया सर 700/8, 8×7=56, 8×8=64, 64 गया बचा कितना 6, 8×7=56, 87 सही, 4/8 अर्थात 1/2 मतलब 87 सही, 1/2%, 87 सही, 1/2%। आगे चलते हैं, 2:3 बिल्कुल सही है भानु, 2:3 मतलब 2/3 इंटू 100, देन 200 अपॉन डिवाइड बाई 3, 3×6=18, 3×6=18 बचा दो, 3×6=18 66.66% या 66 सही, 2/3%। 5:4 को बदला, तो 5/4 अनुपात को परसेंट में बदलना है, गुणा 100 का किया, 500/4 बोलो 4×1=4 बचा 1, 4×2=8 बचा 2, 4×5=20 25, 125%, 125%। चलिए 7:20, 7/20 गुणा में 100, 20×5=100, 7×5=35%। आई थिंक आप सीख गए, आप चीजों को चेंज करना सीख गए हैं। अनुपात को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को अनुपात में बदलना। मान लीजिए कहीं होता, अब बात करते हैं परसेंट को चेंज इनटू रेशो, परसेंट चेंज इनटू रेशो, जैसे 12.5% को आपको अनुपात में बदलना है, मान लीजिए मैंने 25% ले लिया अनुपात में बदलना है, 60% को अनुपात में बदलना है, है ना, 62.5% को आपको अनुपात में बदलना है, मान लीजिए मैंने ले लिया 87.5% को आपको अनुपात में बदलना है, ये कुछ अनुपात बदलने के लिए ले लिए मैंने। तो याद कीजिए ये सब किस में है, परसेंट, देखिए परसेंट 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 याद आपको रखना चाहिए कि सर जब भी कहीं परसेंट का चिन्ह हटाना होगा, जब भी कहीं परसेंट का चिन्ह हटाना होगा तो हटाने के बाद बटे में 100 लगाना होगा। जब भी परसेंट, बेसिक तो देखिए आप कितना भी आगे बढ़ जाओ परसेंट में बेसिक तो यही रहेगा, इसे नहीं छोड़ सकते आप, भले आप कोई भी तरीके से पढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से पढ़ लो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे, ये चेंज होने वाले नहीं है। चलिए बात करते हैं, परसेंट हटानी है तो बटे में 100 लगानी है, लगाते हैं, करते हैं शुरुआत। 12.5 तो 12.5 परसेंट हटाई बटे में 100, पॉइंट हटाया 0 तो 125/1000 25, 25×5=125 और 25×4=100, 40, 5×5=5/48 अर्थात 1:8 क्या आ गया रेशो निकल गया 1:8। 25% हटाई बटे में 100, 25×25 हाँ 25×100 अर्थात 1:4। रेशो में चेंज करना है, 60% हटाई बटे में 100, 0 से 0, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 5 अर्थात 3:5। ठीक, परसेंट में चेंज करना है, 62.5% हटाई बटे में 100, पॉइंट हटाया 0, 25 से काटा 25 बार और 25 से काटा 100, 5 से काटा 5×25, 5 से काटा 5×40 अर्थात 5:8। याद रखना ये चीजें आप जो सीख रहे हो ना ये आपके विशेष काम आने वाली चीजें। आगे देखिए 87.5 बटे में 100, इनको तो मैं वैसे ही याद करा दूंगा आपको, 87.5 बार बार लिख लिख के याद हो जाएंगे। 5/8 इसका मतलब क्या था, याद है क्या था इसका मतलब, 7/8 याद हो तो 7:8 आएगा। करते हैं, पॉइंट हटाया 0 आ गई, 25 से काट लेते हैं, चलिए 25×75 अर्थात कितना बचा 12 है, 25×5=125, 25×100, 5×75 = 35×5=40, 7/8 मतलब 7:8। यहाँ तक हम चार चीज़ें सीख चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं देखिए, पहले हमने सीखा भिन्न, सॉरी प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्नों में बदलना। दूसरी हमने जो चीज़ सीखी वो क्या सीखी, भिन्न चेंज इनटू प्रतिशत। तीसरी चीज़ हमने सीखी रेशो अर्थात अनुपात को किस में बदलना, प्रतिशत। चौथी चीज़ हमने सीखी प्रतिशत को किस में बदलना, अनुपात में बदलना। देखिए
परसेंट को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंट में बदलना, भिन्न को अनुपात में बदलना, अनुपात को भिन्न में बदलना, है ना, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए नॉर्मली। चलिए यहां से आगे चलते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और, टाइम है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम। जब भी किसी चीज में वृद्धि या कमी करने के बाद कोई मान आपको दे दे, आज ही सीख लो इस चीज को, क्योंकि तो बाद में जब टाइप में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये चीजें हमारे काम आएंगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बता रहा हूँ, सुन लीजिए। यदि किसी चीज में कोई भी मात्रा हो सकती है, वजन हो सकता है, द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, उसमें कोई परसेंट में वृद्धि या कमी करने के बाद का मान हमें दे दे और हमसे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक उसकी जो मात्रा है वो पूछ ले, मतलब बाद का देके, वर्तमान का देके और पहले की चीज पूछ ले, तो एक कॉन्सेप्ट है उल्टा करके गुणा करना है। जैसे एक मैं आपको लिख के बताता हूं, देखिए मान लीजिए कहीं आया कि किसी संख्या में, सुनना, किसी संख्या में छह पॉइंट 25% की, या मैं बिल्कुल एक सामान्य सवाल ले लेता हूँ जिसे आप बिल्कुल बेसिकली समझ सकते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, बाकी 6.25 भी आएगा, 12.50 सब आएंगे। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 36 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या थी? ए 20, बी 30, सी 40, डी 28। बिल्कुल बेसिक है, ज्यादातर बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वहां पहुंची आप चीजों पे। मोनू राज, राम राम सर, राम राम मोनू जी। कोई संख्या है, ये ले ली संख्या, मैं 20% की वृद्धि की। अब सुनिए, जब भी हम वृद्धि या कमी करते हैं, 100 में जोड़ते हैं, 100 में घटाते हैं, कॉन्सेप्ट तो यही है। 20% की वृद्धि हुई तो कर दिया क्या, 100 + 20 परसेंटेज था, तो बटे में 100% हटाने के बाद, और बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है हमें, बराबर में हमें प्राप्त हुआ 36, अर्थात संख्या मल्टीप्लाई 120/100 = 36, संख्या बराबर 36, गुना में ले जाऊंगा नीचे से 100 ऊपर और बटे में 120, संख्या बराबर 0 से 0, या ऐसा करते हैं 36 × 100/120, 0 से 0 12 × 36, 3 × 10 30, संख्या क्या प्राप्त हो गई, जो नंबर था, जो संख्या थी, वो हमें प्राप्त हुई 30। इसी कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल छोटा कर दीजिए, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या कि जब भी आपको, देखिए अब ये 36 वर्तमान में दे रखा है, वर्तमान मान दे रखा है और पहले का पूछा है, प्रारंभिक मान पूछा है, उल्टा करके गुणा, उल्टा करके गुणा कैसे, देखो सुनो, 36 तो आ गई अब की संख्या, गुणा 20% की वृद्धि होगी तो 100 में होगी, तो 100 + 20 120/100 होना चाहिए, लेकिन हम वर्तमान से पहले की चीज निकाल रहे हैं, तो उल्टा कर दो, 100/120, 0 × 0 = 36, 3 × 10 = 30 आ गया आंसर, आंसर आ गया। और वैसे अगर हम परसेंट में कन्वर्ट, देखिए मैं भिन्न लिखाऊंगा आपको कल, आपको कल भिन्न लिखाऊंगा मैं, जैसे 20% है, हटाया बटे में 100 आया, 20 × 100 अर्थात 1/5, इसका मतलब क्या है, 1/5 था, तो वो कहना चाह रहा है कि 1/5 की वृद्धि हुई, अर्थात 5 पे 1 की वृद्धि, और जब 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, तो 5 और 1 = 6, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 36 × 5, 1/5 की वृद्धि हुई, 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 6/5 होना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक से, सॉरी वर्तमान से प्रारंभिक मान निकालना है, उल्टा कर दो, और जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 = 36 × 36 = 30 आ गया उत्तर। अब चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना, करना उल्टा करके गुणा है, उल्टा करके गुणा करना है। 10-20 प्रश्न मैं और लिखाता हूँ यहाँ, 10-20 प्रश्न और लिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की
किसी संख्या में, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 24.2 मान प्राप्त होता है। मान प्राप्त होता है, संख्या क्या थी। ठीक, अब देखिए करते हैं, संख्या क्या थी तो एक लाइन में निकालते हैं। अब मान क्या प्राप्त हुआ मुझे, अब मान प्राप्त हुआ 24.2। कितने परसेंट की वृद्धि करने पर, 10% की वृद्धि करने पर, तो वृद्धि या कमी 100 में जुड़ती है, 100 में घटती है, या फिर 10% का मतलब हो गया 1/10, 1/10 की वृद्धि, अर्थात 10 पे 1 की वृद्धि तो 11/10 हो गया। आप इसे उल्टा कर दीजिए, क्यों, वर्तमान से पहले का मान निकालना है तो उल्टा करूंगा, क्या कर दूंगा, 10/11, पॉइंट हटाऊंगा, बढ़ेगी 0, 0 से 0 कट, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 आंसर आ गया 22। या फिर आप उस वेज से करना चाहते हो तो 24.5 × 10% की वृद्धि हुई तो 100 में 10 जुड़ा, 110/100 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान मान से प्रारंभिक निकाल रहे हैं पहले का, तो उल्टा करके गुणा, उल्टा जवाब करोगे तो ये हो जाएगा 100/110। पॉइंट हटी, 0 लगी, 2 0 से 2 0, 11 दूनी 22 बचा, 2 11 दूनी 22 कितना आ गया, 22। बात समझ में आ रही है, अब की चीज से पहले की चीज निकालनी है, वर्तमान की चीज से यदि प्रारंभिक मान निकालना है तो उल्टा करके गुना करना है। क्लियर है मोनुतीस, अनुप्रता, 22, हाँ जो भी है बिल्कुल सही है। वर्तमान की चीज से यदि पहले की चीज निकालनी है तो हमेशा उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना बात। और देखिए, अब मैं 2-3 प्रश्न लिख रहा हूँ, आप फटाफट जवाब दीजिए, सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं सभी जवाब दीजिए। मैं 2-3 प्रश्न लिख रहा हूँ, जैसे पहला, एक व्यक्ति के भार में, एक व्यक्ति के भार में 12/1/2% की वृद्धि हो जाती है तो उसका भार, तो उसका भार 72 किलो होता है। बताइए वृद्धि से पहले उसका भार कितना किग्रा था, कितना किग्रा था। एक व्यक्ति के भार में 12 पॉइंट, और ये भाग नहीं है बेटा, भार है, यहाँ पे भाग ना हो करके भार है, भार, वजन, वेट, भार में 12/1/2% की वृद्धि हो जाती है तो उसका भार 72 किलो होता है। बताइए वृद्धि से पहले उसका भार कितना किग्रा था, ये आपको बताना है। बताइए फटाक से क्या आएगा, देखिए वर्तमान वजन दे रखा है 72 किग्रा, कब आया, जब 12.5 की वृद्धि हुई। अब का मान दे रखा है, पहले का पूछा है, पहले कितना था, सीधा सीधा उल्टा करके गुना, 72 गुना। अब करना क्या है वो सुनिए, 12.5 का मतलब आपको याद होगा, मैंने आपको परसेंटेज याद कराई थी, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5 का मतलब होता है 1/8। अब चलो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ, आप ढंग से याद करना इन चीज़ों को। 12.5 पॉइंट हटाया, बटे में पहले तो परसेंट हटाई 100 और बटे में ये 25 × 125, 25 × 100, 40 × 5, 1 × 5 और 5 × 40, तो 1/8, अर्थात 12.5 की वृद्धि हुई, इसका मतलब 1/8 की वृद्धि हुई, मतलब 8/1 की वृद्धि, 8/1 की वृद्धि हुई, 8/1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 9, है ना। अब होना चाहिए 9/8, लेकिन वर्तमान की चीज से पहले की निकाल रहे हैं तो उल्टा करके गुणा कर दो, जल्दी कर दो, 8/9, 9 8 72 8 8 64, पहले व्यक्ति का वजन था 64 किग्रा, कितना था, पहले व्यक्ति का वजन 64 किग्रा था।
क्लियर है चीजें। पहले व्यक्ति का वजन कितना था? 64 किग्रा था। और देखिए एक प्रश्न, चलिए और देखिए। किसी संख्या में 10% की कमी करने पर, बेहतर प्राप्त होता है तो संख्या क्या थी? फटाक से बता दो करके। अब इन प्रश्नों में समय नहीं लगना चाहिए, मैं आज आपको कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ओनली कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बस। तो आपको भी तुरंत उत्तर देना चाहिए। बताइए क्या आएगा? किसी संख्या में 10% की कमी करने पर बेहतर प्राप्त होता है, बताइए संख्या क्या थी? वर्तमान मान बेहतर हो गया गुणा 10% की वृद्धि हुई, 110 बटे कमी 80, बिल्कुल। भानु प्रताप 80, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए देखिए, वर्तमान संख्या है बेहतर 72 इंटू 10% की कमी, 10% का मतलब 10% 2/100 अर्थात 1/10। भाई 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 100 में से 10 मतलब 10 में से 1, 1/10 क्या हो रही है? कमी, 10 में से 1 की कमी हुई तो क्या बचा? 9/10। अब उल्टा करके करना है, गुणा कर दो 10/9, 9 8 72, 8 2 80, बोलो आंसर क्या आया? 80। आंसर क्या आ गया सर? 80 आ गया, 80, बिल्कुल राखी, बिल्कुल सही, 80 आएगा बेटा। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझना है साथ के साथ, देखो ये परसेंटेज वाला, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। चलिए क्लियर है, तो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं एक बार, रिवीजन करते हैं चीजों का। जीरो टू हीरो परसेंटेज पार्ट फर्स्ट की बात की, हमने परसेंटेज क्या होती है, प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली का एक परसेंटेज कहलाती है। ये जो चिन्ह है वो है प्रत्येक 100 का, पर 1000 केजी लीटर जो भी होती हैं, 1000 ग्राम या 1000 मिलीग्राम पे, उनके लिए पर 1000 काम में लिया जाता है। प्रतिशत बट्टा लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रव्याज सब इसी से पढ़ने वाले हैं। परसेंट लगानी है गुणा में 100, परसेंट हटानी है बटे में 100, वृद्धि कमी करनी है 100 में जुड़ेगा 100 में घटेगा। आगे चलते हैं, मैंने कुछ आपको प्रतिशत को भिन्नों में बदल के बताया, यहाँ कुछ बताई हैं, बहुत सारी बची हैं, है ना। कल मैं आपको ये नोट करवाऊंगा चीज़ें, आज मैंने हल्का सा आपको इसका परिचय दे दिया कि परसेंट को भिन्नों में ऐसे बदला जाता है। फिर हमने बात की परसेंट को भिन्नों में बदला, फिर उसके बाद हमने भिन्नों को कन्वर्ट किया परसेंट में, देखो फ्रैक्शन को, भिन्नों को किस में बदला? प्रतिशत में। आगे चले अनुपात को परसेंट में बदला, आगे चले परसेंट को अनुपात में बदला, फिर हमने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी वर्तमान से यदि हमें पहले का मान निकालना है, कब का? पहले का, तो उल्टा करना है और क्या कर देना है? गुणा। ये आपको याद रखना है, एंड तक बार बार नहीं बताऊंगा मैं ये चीज़ें, उल्टा करके गुणा कर देना है। इसके बाद हमने ये पढ़ा, अब सुनिए यहाँ से आगे मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बस 5 के समतुल्य प्रतिशत है ए 0.5%, बी 0.05%, सी 0.005%, डी 500%। 5 के समतुल्य प्रतिशत है 0.5%, 0.05%, 0.005% या 500%। दीजिए फटाक से उत्तर, जल्दी से आंसर, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसका उत्तर दीजिए। राखी है, बानु है, मोनू है, गौतम है, नितेश जी, जो भी हैं उत्तर दीजिए, टीना, अभिनव, ईश्वर गुर्जर, जो भी लोग हैं, जो भी देखिए देख रहे हैं वो एक बार इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 के समतुल्य प्रतिशत है,
भानु प्रताप बी, भानु ने कहा है सर बी। चलिए और विद्यार्थी, देखिए सभी उत्तर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी कोई समस्या नहीं है, आप एक बार आंसर दीजिए चीजों का। भानु ने आंसर दिया है सर बी आएगा, बिल्कुल भानु बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने जवाब दिया चीजों का। कुछ नहीं, पांच के समतुल्य प्रतिशत बताना है बस। अच्छा एक ही बच्चा लाए हुए क्या, देख तो इतने रहे, जवाब एक ही ने दिया है। चलो मत दो, हमारी इच्छा, हो सकता है नहीं हो पा रहा हो। सोनू सिंह फौजदार, राम राम गुरुजी, राम राम भैया सोनू, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए देख लीजिए एक बार, प्रश्न क्या है, प्रश्न है पांच के समतुल्य प्रतिशत क्या होगी, पांच के समतुल्य प्रतिशत क्या होगी, सुन लीजिए सर, पांच के समतुल्य प्रतिशत, पांच को किसमें बदलना है, परसेंट में, जब भी परसेंट लगाते हैं तो गुणा किसका करते हैं, सौ का, पांच परसेंट में बदलना है, गुणा सौ का कर दो, कितना आएगा, 500% आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आज शुरुआत में यही बताया था, शुरुआत में सिखाया ही यही है मैंने, देखिए शुरुआत में यही सिखाया था कि परसेंट अगर लगानी है मुन्ना तो सौ का गुणा करना है, परसेंट यदि लगानी है तो गुणा किसका करना है, सौ का, परसेंट यदि लगानी है तो गुणा किसका करना है, सौ का। और आप यही भूल गए एंड तक पहुंचते पहुंचते कि परसेंट में यदि किसी चीज को बदलना है, पांच के समतुल्य प्रतिशत पूछा है, 500% आएगा, यदि पांच के समतुल्य परसेंट है, परसेंट में किसी चीज को बदलना है तो गुणा सौ, आठ के समतुल्य परसेंट 800, नौ के समतुल्य परसेंट 900%, 800%। तो याद रखिए, है ना, ये कब आता, बी कब आता बेटा, बी जब आता जब होता 5% के समतुल्य, 5% के समतुल्य संख्या होगी तो 5% हटाते बटे में 100 उत्तर आता 0.05, ठीक है, मैंने पूछा था 5 के समतुल्य परसेंट होगी तो उत्तर आएगा 500%। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, परसेंटेज, परसेंट चल रहा है अर्थात प्रतिशत। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, एक पहली चीज़ चंचल कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग चंचल, सभी बेटा जितने भी लोग हैं, चंचल, उर्वशी, नीरज, अभिनव, भानु, सभी जुड़े रहिए लगातार, ऑल क्लियर नीरज, थैंक यू नीरज। चलिए देखते हैं, परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब सौ, ये हमने कल बात की थी कि प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली यूनिट है ना, प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली, एवरी हंड्रेड जो है उस पर काम में ली जाने वाली जो यूनिट है, प्रत्येक सौ पर काम में ली जाने वाली का एक परसेंटेज कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। कल हमने प्रतिशत में जो चीज़ें पढ़ी थी उन्हें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रतिशत को हम भिन्न में अर्थात फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड पढ़ा था फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू प्रतिशत परसेंटेज, थर्ड हमने पढ़ा था प्रतिशत कन्वर्ट इनटू रेशियो, और फोर्थ हमने पढ़ा था रेशियो कन्वर्ट इनटू परसेंट। ये चार चीज़ें कल हमने पढ़ी थी, आई थिंक सबकी समझ में आ गई होंगी। गौरव पानौरी, राम राम गुरुजी, राम राम गौरव। देखिए परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट टू रेशियो एंड रेशियो टू परसेंटेज, ये चार चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से हमने पढ़ी थी कल। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कल, याद हो तो, क्या पढ़ाया था कि यदि वर्तमान की कोई चीज़ है और वर्तमान की चीज़ से प्रारंभिक मान, प्रारंभिक भार, प्रारंभिक वजन, प्रारंभिक मात्रा, है ना, प्रारंभिक मूल्य, कुछ भी आपको ज्ञात करना है, वर्तमान की चीज़ से पहले की चीज़ ज्ञात करनी है तो याद है क्या, उल्टा करके गुना करना है आपको, ये बात बताई थी, शायद इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी थी। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से परसेंट, परसेंट से रेशो, रेशो से परसेंट, वर्तमान से प्रारंभिक और प्रारंभिक से वर्तमान निकालना, ठीक है,
यहां हमने ये पढ़ लिया था, कुछ मैंने कहा था कि कल से आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं आज से नोट्स, सारी चीजें मैं आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा के लिखवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी गई, जैसे 30 से ही 5/9 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या आएगा वैल्यू, और कुछ फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे अपन, और फिर अपन मेन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, और आई थिंक एक बार अगर आप पूरा कम्प्लीटली वीडियो पढ़ लोगे, रेखा गोला गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग रेखा जी, एक बार यदि आप कम्प्लीटली वीडियो देखते हो पूरा वीडियो, तो शायद आपको परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोबारा, एक बार अगर आप ढंग से चीज़ों को पढ़ लोगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बातें कल हमने कर ली थी, आप नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं। परसेंट इट मीन्स प्रत्येक 100 पर काम में ली जाने वाली कई प्रतिशत कहलाती है। कल चिन्हों की बात भी हुई थी, ये चिन्ह जो है वो है प्रत्येक 100, और ये वाला जो चिन्ह है वो है प्रत्येक 1000, पर 1000 एंड पर 100। ये बातें हमने कल कर ली थी, आज आगे की तरफ चलते हैं। प्रिया होलकर, राधे राधे बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो कल मैंने आपको उल्टा निकालना भी सिखाया था, जैसे कि अब देखिए आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो परसेंटेज मैं आपको लिखा रहा हूँ, कुछ परसेंट टू फ्रैक्शन, वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है, कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, जैसे कल मैंने स्टार्टिंग करवाई थी, याद है आपको, फर्स्ट में आपको लिखाया था 25%, इसका मतलब क्या होता था, 25% डाया बटे में 100, 25 चौक 100, अर्थात 1/4, इसका आधा किया था हमने 12.5%, मतलब इसका आधा करूँगा तो 1/4 का आधा किया क्या आ गया, 1/8 आ गया ना। आज आप नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8। थर्ड, इसके बाद मैंने आपको कराया था 6/25, मतलब 6 से ही 1/4, इसका भी आधा 1/16 था। इसी का एक भाई और है, कौन सा है वो सुनिए, 6 से ही 2/3, ठीक है, एक है 6 से ही 2/3, अर्थात 6 3 18 और 2 20/100 है ना। अब 20/100, 6 3 18 और 2 20 हो गया, बटे में आ गया, परसेंट हटेगी 100, तो 100 की 2 0 आएंगी, तो 20/300 हो जाएगा, इसका मतलब 1/15। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 6 से ही 2/3 के बाद फ्रैक्शन में चल रही है, ये सारे बेटा जो आंकड़े हैं इधर के फ्रैक्शन में है ना। आगे चलते हैं पांचवा, जैसे आया मान लीजिए अपना, इसका हमने 3 गुना किया था, याद है आपको, 37.5% भाई 36 3 5 15, इसका 3/8 था। फिर किया था हमने 12.5 60, याद हो आपको, 62.5%, अर्थात 5/8। फिर हमने किया था अगला 87.5 12 7 84, 7/8 था, इसी के चल रहे हैं, ये तीनों खंड इसी के हैं, इसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहे हैं अपन। फिर चलते हैं, इसके अलावा आता है जैसे आठवां, बहुत पूछा जाता है, 33 से ही 1/3%, देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ, 33 3 99 और 100, 100/3%, परसेंट हटाया 2 0 आ गया, 0 से 0 कट 1/3, क्लियर है, 33/100 को अपन क्या कहेंगे, 1/3। इसी का भाई आ गया अगला 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%, इसको कह देंगे हम 2/3, सर 2/3 हो गया। इसके बाद जैसे हमारे पास दसवां अगला जो खंड लेते हैं मान लीजिए 28 से ही 4/7, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 28 से ही 4/7%। फिर लेते हैं 22 से ही 2/9%, 22 से ही, सबको आप परसेंट को चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। उसके बाद लेते हैं 16 से ही 2/3%, एक बार ये चीज़ें देख लीजिए आप, मैं नोट करा रहा हूँ, कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएंगी, 16 से ही 2/3%। उसके बाद लेते हैं 77 से ही 7/9%, 77 से ही 7/9%। अगला हमने लिया जैसे 30 से ही 5/9%, जो मैं आपको बता रहा था इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है,
इनको कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए 28 सही 4 बटे 7 सॉल्व किया यदि मैंने, देखिए 7 दूनी 14, 7 आठ 56, 140 और 56 194 और 4 सॉरी 196 और 4, 200/7% हटाया 20 क्या आ गया 2/7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर क्या लिखूँगा 2/7, 2/3 का 2/3 और 4/ जो 7 है उसका हो जाएगा 2/7, फिर यहाँ है इसको आप सॉल्व कर लीजिए 2/9 आएगा, 16 सही 2/3 16 दिया 48 और 2 50/300 अर्थात 1/6 इसका हो जाएगा 7/9 ठीक, 3 9 दिया 27 270 और 5 275/900 और 275/900 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/30 और देख लीजिए कुछ इसी के भाई बहन, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ ताकि आप कॉपी में ये चीज़ें आपको फिर रिपीट करनी पड़ेंगी, 2 सही 1/2% मतलब 2.5%, 2 दूनी 4 और 1 5/2 0 आ गई, 5 चौका 20 अर्थात 1/40%, 2 सही 1/2 का क्या हो जाएगा एस एस सी घायल अनिल फौजदार राम राम सर, राम राम अनिल है ना, देखिए ये हो गया, इसके बाद आ गया 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3% हो गया मान लीजिए, इसके अलावा मैं आपको लिखा देता हूँ 53 सही 1/3%, बस काफ़ी है 53 सही 1/3%, कोई आवश्यकता रहेगी तो हम बाद में भी इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे, बस आप वीडियो को ढंग से देखिए और पूरा पढ़िए, ये होता है 7/15 और ये होता है 8/15, ये तो हो गई कुछ फ्रैक्शंस की बात ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, बाकी नोट कर लेना कॉपी में, ये उनके लिए करा रहा हूँ जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं और जो नहीं बना रहे हैं उनके लिए सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट, बिल्कुल तैयार है, बस ये फ्रैक्शन एक बार मोटा मोटा याद रखना आप लोग कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होती है। चलते हैं अगली स्लाइड पे, अब देखिए यहाँ से आगे ये मैंने आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में बता दिया, अब हम एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पे पहुँचूंगा। जैसे देखिए एक हमने ये चीज़ पढ़ी, मैंने कहा सर एक क्वेश्चन ले लिया मान लीजिए 40 का 30% क्या होगा, बात को समझना 40 का 30% क्या होगा, किया मैंने राखी नमस्ते सर, नमस्ते राखी जी, देखिए पहला मैंने किया 40 का मतलब गुणा 30% ढाई बटे में 100, देखा उत्तर लाए 0000 चार किया 12 आ गया, क्या मैं इस 100 को और ऐसे लिख सकता था क्या 40 गुना 30/100, देखना लिख सकता हूँ क्या, उत्तर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0000 चार दिया 12, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 40/100 गुना 30 बराबर, देखना आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या 0000 चार दिया 12, मैंने तीन तरीके से लिख के दिखाया एक चीज को 40 का 30% क्या होगा, 40 का 30% 12, 40 × 30/100 12, 40/100 × 30/30 = 12, सबका उत्तर 12 आ रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इनको, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सीधा सीधा लिख सकता हूँ या नहीं, चलिए देखिए जब भी एक बात सुन लेना, यदि कोई दो संख्या है और उन दो संख्याओं के बीच में है गुणा, तो गुणा का मतलब होता है कि एक ही परिवार है, गुणा का मतलब क्या है परिवार एक ही है, मैंने लिखा 5 गुना 3 गुना 4 इसका मतलब तीनों का परिवार एक ही है, मैंने लिखा 20 गुना 30 इसका मतलब परिवार तो एक ही हो गया ठीक है, तो आप इसमें चाहे 5 का भाग दे लो 5 चौका 20 4 दिया 12 120, चाहे 2 तिया 6 600/5 कर लो 5 का भाग दिया 12 5 60 120, बात तो वही है, तो याद रखना गुणा करने पर चीज़ें एक ही परिवार की मानी जाती हैं, तो हम कह सकते हैं इस बेस पर हम कह सकते हैं, देखो इसको पढ़ेंगे अगर तो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 40 का 30%, इसका मतलब है 40 का 30%, यहाँ नीचे जो लिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 30 का 40%, इसका 30 का 40%, बात तो एक ही है दोनों है ना, यहाँ हम समझ रहे हैं चीज़ों को, और याद रखना कंप्लीट क्लास देखनी है, अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया भूल जाना, देखिए
40 का 30% या 30 का 40% बात तो एक ही है सर। इसका मतलब यदि कहीं प्रश्न आए ए का बी परसेंट, तो क्या मैं उसे लिख सकता हूं ऐसे बी का ए परसेंट, लिख सकता हूं ना भाई। कहीं आया मान लीजिए 40 का 53%, अब हमें 53% निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही है, सपोज दैट 53% निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 53 का 40% हटाया बटे में 100, 0, 0, 2 × 4 = 10, 53 का 2 × 3 × 6 5 × 10 भाग दिया 5 का 5 × 10 5 × 1 = 5 बचा 1, 5 × 10 21.2 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये बात आप याद रखना कि ए का बी परसेंट बराबर होता है बी का ए परसेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। क्या बात निकल गया, निष्कर्ष क्या निकला कि ए का बी परसेंट बराबर होता है बी का ए परसेंट, कैसे भी लिख लो, ए का बी परसेंट कह लो या बी का ए परसेंट कह लो, बात तो एक ही है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? देखो एक एक चीज बड़ी बारीकी से और बड़े जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनके लिए स्पेशली अपन लेके चल रहे हैं, जो बच्चे शुरुआत करें, और ऐसा नहीं है हाई लेवल पे चलेंगे, टॉप लेवल पे है ना, बिल्कुल टॉप लेवल पे चलेंगे। देखिए ए का बी परसेंट या बी का ए परसेंट निकाल लिया हमने, बात एक ही है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आगे चलते हैं, आगे सुनिए, एक यूनिटरी मेथड वाला जो सिस्टम है वो भी आपको आना चाहिए सर। आना क्या चाहिए सुनिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने कोई संख्या ली, उस संख्या का 100% आपको निकालना आना चाहिए, और यदि 100% आता है फिर आपको 10% भी आना चाहिए, और फिर आपको 1% भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार 1% से बड़ी आसानी से प्रश्न हल, कई बार क्या होता है 1% से बड़ी आसानी से प्रश्न हल हो जाता है। कैसे होगा देखते हैं। देखो किसी संख्या का मैंने निकाला सर, मान लीजिए मैं लेता हूँ 600 का 100% क्या होता है, 600 का 100% चाहिए तो 100% हटाया बटे में 100 से 100 कैंसिल, मतलब 600 का 600% 600 ही होता है, 600 का 600% 600 ही होता है, ठीक है। बात करते हैं 600 का 10% क्या आएगा, तो 600 × 10 / 2 0 2 0 कैंसिल, 6 × 10 = 60 आ जाएगा, क्लियर? ये चीज़ें आप पहुँचिए। अच्छा 600 का मैं 1% निकालूँ, देखो अगर 100% निकाला तो चौकी तो रहेगा, 10% निकाला 1 0 कम कर दो, और 1% निकाला दोनों 0 कट कर दो, क्या बचा? कैसे? 600 का मैंने निकाला 1% हटाई बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट। आपको याद रखना, जब भी किसी चीज़ का मैं 1% निकालूंगा, जब भी किसी चीज़ का 1% निकालूंगा तो 2 0 काटनी है, ये भूलना नहीं है। जब भी किसी चीज़ का 1% मैं निकालूंगा तो 2 0 मुझे काटनी ही काटनी है, क्लियर है? जैसे 50 100% 50, 10% 1 0 काट दो 5, तो 1% निकालना है, 2 0 कटेंगी, क्या हो जाएगा 0.5, 2 0 1 0 दिसकी गई और 1 0 की जगह पॉइंट आ गया, 0.5 हो गया। मान लीजिए कहीं आया 3 का 100% 3, 3 का 10% 0.3, 3 का 1% 0.03, कहाँ काम आएंगी ये चीज़ें? क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण क्या है? देखिए जैसे कहीं आया किसी संख्या का मान लीजिए आ गया किसी संख्या का 13% 390 है तो 52% क्या होगा? अब एक तरीका सुनिए, एक तरीका तो मैं आपको बेसिक का बताता हूँ। जैसे किसी संख्या का 13% हटाया बटे में 100 बराबर है 390, तो पहले क्या निकाली जाएगी संख्या, निकाली 390 गुणा में गया 100 बटे में 13, 13 × 39 30, 30 × 100 अर्थात 3000,
संख्या क्या हो गई 3000। अब ये नहीं चाहिए इसका 52%, तो 3000 का 52%, दो जीरो से दो जीरो कट, 30 × 52 किया, जीरो की जीरो, तीन दूनी छः और पान दिया 15, 1560 1560। क्लियर। अब इसी चीज को यदि मैं ऐसे करता तो देखो, किसी संख्या का 13% बराबर है 390, 1% निकाल दूं, निकाल दिया, 1% होगा 390/13, 30 के। अब जब 1% 30 है तो 52% कितना, 52% चाहिए था, 1% है 30 के, तो 52% 30 गुना 52, 0, 3 दूनी 6, 5 दिया 1560। बात आ रही है, मैं क्यों करा रहा हूं इन चीजों को, इसको कराने का रीजन क्या है, रीजन है ये, हम यहां इसे और भी सॉर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट लिख देते क्या कि 13% बराबर है 390 के, तो 52% बराबर होगा 390/13 × 52, 13 × 39, 30 गुना 52 बराबर 1520 या 1560 जो भी आ रहा है। ठीक है, इसे कराने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बातें आपको याद रखनी है। किसी भी संख्या का 100%, 10%, 1% आपको तुरंत निकालना आना चाहिए, दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। और एक और बात, इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। जैसे क्या, मान लीजिए 50 का 40% पूछ ले, याद रखना परसेंट अटेगी बटे में 100 आएगा, दो जीरो कटेंगी। अगर मैं पूरा करूं तो कैसे होगा, 50 × 40/100, दो जीरो से दो जीरो, 5 × 20। तो इसका मतलब इन दो जीरो को तो हम मन में भी रख सकते हैं, काटनी है बस, जितना भी परसेंट निकलवाए दो जीरो काटनी है हमें, क्यों, क्योंकि बटे में 100 आएगा। भाई मान लीजिए कोई भी संख्या है, उस संख्या का कुछ भी परसेंट निकलवाया तो बटे में परसेंट अटेगा 100 आएगा, तो ये दो जीरो तो कटेंगी, या तो यहाँ संख्या से काटो या ऊपर से काटो, दो जीरो तो कटनी है। तो ये आपको याद रखनी है, और याद रखनी है तो चलो करते हैं प्रैक्टिस। 50 का 40%, 5 × 20, दो जीरो कट गई, कितना आ गया 20। दूसरा जैसे आया, मान लीजिए 30 का 8%, 8 × 24, 240, दो जीरो काटनी है, एक तो जीरो ये गई और एक जीरो बची, तो पॉइंट आ गया 2.4। बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा देखो, 30 का 8% हटाया बटे में 100, एक जीरो से तो ये गई, अब 8 × 24 बटे में क्या है 10, तो ये हटेगी तो ऊपर पॉइंट भी तो आएगा, एक संख्या बाद, तो आ गया 2.4। मान लीजिए कहीं होता 40 का 12%, 12 × 48, एक जीरो तो ये खत्म हुई, 12 × 48 क्या आया 4.8। कहीं होता 60 का 17%, एक जीरो तो कट गई, बची एक जीरो परसेंट वाली जो काटनी है, 7 × 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 × 6 और 4 = 10, 102, एक जीरो तो कट गई, एक जीरो का यहाँ पॉइंट आ गया, क्या आ गया 10.2। क्लियर। जैसे आया मान लीजिए 80 का, मान लीजिए आ गया 23%, कैसे निकालू। अब ऐसा नहीं है कि आप लिखते फिरो 80 × 23/100, 0 से 0 8 + 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 × 2 = 16 और 2 = 18 = 18.4। नहीं सर, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट करनी पड़ेंगी यदि कंपटीशन क्लियर करना है, क्योंकि कंपटीशन में ही होता समय, एक एक दो दो सेकंड यदि आप बचाओगे, एक एक दो दो सेकंड बचाओगे एक सवाल में, तो बहुत टाइम बचता है आपका, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अंकित जोशी, हेलो सर, बिल्कुल। और देखते हैं, चलिए हाँ ये वाला देख लेते हैं, देखो 23, 0 से 0 गई, एक जीरो खत्म हुई, एक जीरो और बची है, 8 × 24 = 4 हासिल 2, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 18, एक जीरो ये आ गई। मेरे हिसाब से आप कर लेंगे सभी, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। मान लीजिए आ गया कहीं 50 का 2%, एक जीरो गई, 5 × 2 = 10, फिर एक जीरो लगी तो क्या आया 50 का 1। मान लीजिए आ गया 5 का 3%,
पांच का तीन क्या पंद्रह, पांतिया पंद्रह, दो जीरो काटनी थी, एक भी नहीं कटी, तो दो संख्या बाद पॉइंट, तो 0.15 आ गया कहीं। आठ का 7%, आठू सातू छप्पन, 0.56 उत्तर तुरंत आना चाहिए। आ गया कहीं 12 का 3%, 12 तिया 36, जीरो कटी नहीं कटी, तो जीरो यहां कटेगी, दो जीरो तो आपको काटनी ही काटनी है हर एक कंडीशन में। आई थिंक यहां चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मान लीजिए कहीं पूछ लिया जाए 15 का 4%, 15 चौक 60, दो जीरो कटेंगी, एक और एक दो, यहां लगा पॉइंट, 0.6 हो गया, 0.60 कह लो, 0.600 कह लो, कुछ भी कह लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक मैंने आपको कई चीजें बताई अलग अलग, है ना, और एक वो परसेंटेज बेस वाला भी सिस्टम करा दिया। अब मैं डायरेक्ट आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस पे, चलिए देखते हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रतिशत अर्थात परसेंट, और परसेंट की टाइप फर्स्ट मैं शुरुआत कर रहा हूं, टाइप फर्स्ट मतलब सिंपल क्वेश्चन अर्थात सामान्य प्रश्न, सामान्य प्रश्न जिसमें वही परसेंट निकलवाएगा। जैसे देखिए, अब मैं यहां से आपकी शुरुआत कर रहा हूं परसेंटेज की। कुछ बातें मुझे जो बतानी थी, कल की क्लास में हमने बेसिक की बात की, आज भी हम बेसिक में ही बात कर रहे हैं, आज भी हम कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आ गया मान लीजिए प्रश्न 240 का, पहला प्रश्न 240 का 12 सही 1/2% का 6 सही 2/3% क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है सर, 1, B, 2, C, 3 और D, नन ऑफ दीस। जिन्होंने ढंग से अब तक क्लास देखी है वो आराम से कर सकते हैं। के एस जाट, राम राम सर, राम राम भैया, राम राम। चलिए पहला प्रश्न 240 का 6 सही 2/3% क्या होगा? अब जिन्होंने कल की वीडियो देखी है, आज की स्टार्टिंग देखी है, वो आराम से कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं, पहला तरीका जो बेसिक है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक क्या है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेसिक को। 240 का मतलब गुणा 12.5%, का मतलब गुणा 6 सही 2/3% बताना है। आगे किया 240 का, पहले से सॉल्व किया, 12 दूनी 24 और 1 25/2% इंटू 6 3 18 और 2 20/3% आगे सॉल्व किया 240 का 25/2% 8/100 गुना 20/3% 8/100 आगे सॉल्व किया, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ आ जाएगा 240 का 25/100 गुणा 2 200 गुणा 20/100 गुणा 3 300। जब मैं इसे आगे सॉल्व करूँगा सर, तो देखिए 0 से 0 कट 0 से 0 कट, 2 से 2 कैंसिल, 25 एकम 25 बचा कितना 5, 25 दूनी 50, ठीक, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, तो आंसर क्या आया 2। अब आप खुद अंतर समझिए चीज़ों में। ये हमने, हाँ बिल्कुल राखी, बिल्कुल सही है बेटा, ये हमने पूरा बेसिक किया तब जाके हमारा आंसर लास्ट में निकल के आया 2। अगर ये आंसर एक ही लाइन में आ जाए और बड़े आसानी से आ जाए तो क्या कहने, समझ रहे हो बात को? इसीलिए ये परसेंटेज मैं आपको रटाने में लग रहा हूँ। एक लाइन में देखो, बिल्कुल एक लाइन में उत्तर कैसे आएगा, ठीक है देखते हैं। सर 240 का मतलब गुणा 12 सही 1/2% का मतलब याद है आपको? 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता था भाई? 1/8, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 1 25/2, मतलब 25/200, 25 8 200 अर्थात 1/8 याद हो तो, गुना 6 सही 2/3, 6 3 18 और 2 20/300, 0 से 0 गया और 2 से काटा सर कितनी बार, 1/15, ठीक है, तो इसका मान हो गया आपका 1/15। सॉल्व किया, 8 से काटा, 8 3 24, 30, 15 से काटा, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 एकम 2, बोलो आंसर क्या आ गया 2।
इसीलिए आपको रटाने में लग रहा था मैं इन परसेंटेज को। 12 सही 1/2 का मतलब 1/8, 6 सही 2/3 का मतलब 1/15। रखा उत्तर तुरंत आ गया एक लाइन में। अब आप देख लो ये तरीका अच्छा है या ये तरीका अच्छा है, जैसे चॉइस इज योर्स, जैसे आप चाहें, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लो। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको प्रश्न लिखा रहा हूँ, आप करते जाइए फटाफट फटाफट से। ये मैं मिटा देता हूँ बेसिक, और इसी के नीचे एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? 252 का 28 सही 4/7%, 252 का 28 सही 4/7% का, 252 का 28 सही 4/7% का 22 सही 2/9% का मान होगा, मान होगा। ऑप्शन आपको लिख के मैं दे रहा हूं, करके आपको बताना है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। करिए बिल्कुल कर, देखिए अगर आपने कल की क्लास ली है, आज की क्लास स्टार्टिंग से लिए बिना मिस किए, आप आराम से कर सकते हैं आंसर क्या आएगा, और बिल्कुल विद इन 5-6 सेकंड, 5-6 सेकंड में आराम से कर सकते हैं, 5-6 सेकंड में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कर सकते हैं 5-6 सेकंड में। उत्तर आ गया राखी 16, बिल्कुल भानु प्रताप 16, बिल्कुल सही है बेटा भानु, बिल्कुल सही है राखी, बिल्कुल सही है 16 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। देखिए अब मैं कर देता हूँ, बिल्कुल देखना आप कितना, आप ये देखो मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, घड़ी लगाओ टाइम कितना लगता है। 252 गुना 28 सही 4/7 का मतलब 2/7 गुना, इसका मतलब होता है 2/9, 7 से काटा, 7 × 14 7 × 21 बचा क्या 4 × 7 = 42, 9 × 36 4 × 8 = 16, बताओ कितना टाइम लगा? 5-6 सेकंड आई थिंक, 6 सेकंड 7 सेकंड लग गए होंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से प्रश्न हो रहे हैं, कैसे कि हमें आता है फ्रैक्शन में बदलना भिन्नों को, हमने भिन्नों को फ्रैक्शन में बदला है, कुछ आपको टर्म्स ये याद करनी है ताकि आप आराम से कर पाए। चलिए क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक प्रश्न और कर दीजिए तीसरा, फिर चलते हैं अगली स्लाइड में। वन लाइन क्वेश्चन है, पूरे की पूरे क्वेश्चन सिंपल हैं और वन लाइन है, नाम ही है सामान्य प्रश्न, साधारण प्रश्न। 450 का 33 सही 1/3%, 450 का 33 सही 1/3% का 16 सही 2/3% होगा, 16 सही 2/3% होगा। दोबारा देख लीजिए, 450 का 33 सही 1/3% का 16 सही 2/3% होगा, क्या होगा सर? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं ए 20, बी 25, सी 30 एंड डी 35। बताइए जल्दी से, जल्दी थोड़ा सा जल्दी कीजिए और इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा सर? वन लाइन क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से। 25 बिल्कुल सही है राखी, बिल्कुल सही है बेटा, 25 आएगा बिल्कुल। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको लगता है बस कठिन है, बाकी गणित वास्तव में इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है। 25 आ गया राखी का। चलिए और भी विद्यार्थी जवाब दीजिए, है ना, 33 से 1/3% का ट्रम्स आपको याद होगा 1/3, और 16 से 2/3% का 1/6। सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना टाइम लगता है देखते हैं अभी। 450 × 1/3 × 16 से 2/3, 16 × 3 = 48, 50/300 मतलब 1/5 × 30 = 6। ठीक है, तो 1/3 और 1/6 सॉल्व किया आगे, देखो 3 से काटा 15 बार, 15 × 3 = 45, 6 से काटा 6 × 2 = 12, बचा 3 × 6 = 30, 25 × 25 = 25, आंसर आ गया सी बी, सॉरी बी।
बिल्कुल 25 25, अंकित जोशी 25, भानु प्रताप 25, उर्वशी गोला 25, सबका सही है बच्चा, सबका सही है। बताओ समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है? देखिए इससे आसान नहीं होने वाला है, इससे आसान नहीं होने वाला है। मैं बहुत इजी वे में चल रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बहुत ही सरल तरीके से कराए हैं, वन लाइनर बिल्कुल। बसरते आपको इन परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन, परसेंटेज की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अगली अगली टाइप पे, सेकंड टाइप। हर टाइप के तीन तीन प्रश्न अपन कर रहे हैं, बात करते हैं सेकंड टाइप की, टाइप टू। अब टाइप टू क्या है वो सुनिए। टाइप टू में हम बात करेंगे वृद्धि और कमी की, वृद्धि अवलिक कमी पर आधारित, वृद्धि अवलिक कमी पर आधारित। अब वृद्धि कमी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा आप एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना है बस, फिर आप आराम से कर पाएंगे। जैसे सुनना आप ढंग से, मान लीजिए कहीं मैंने कहा कि 800 ग्राम दाल में, 800 ग्राम दाल में 12.2% की वृद्धि करने पर वह कितनी होगी। मतलब 800 ग्राम दाल है मेरे पास, मैंने 12.2% की वृद्धि कर दी तो कितनी आएगी। तो सुनना एक बार बेसिक से बताते हैं, 800 ग्राम दाल का पहले तो निकालूंगा मैं 12.5%, क्योंकि वृद्धि करनी है, निकाला 12.5%, सॉल्व किया तो देखो 800 ग्राम इंटू 12 × 24 और 25/2% हटाया, बटे में 100 इधर आ गया, 800 ग्राम का 25/200, 2 × 2 = 8, 25 × 100, 100 ग्राम आ गया। अब इसमें वृद्धि करनी थी तो आंसर आएगा 800 ग्राम तो पहले से है और 12.5 का मतलब 100 ग्राम की और वृद्धि हो गई, देन हमारे पास दाल हो गई 900 ग्राम। दाल हमारे पास कितनी हो गई सर? 900 ग्राम हो गई। एक तो ये तरीका, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, एक मैंने आपको बताया था कि जहां भी वृद्धि या कमी होती है वहां अपन 100 में प्लस कर देते हैं, अगर उससे भी करें अपन तो। देखिए पहला तो ये हो गया, सेकंड मेथड देखिए, 800 ग्राम, अब 12/1/2 की वृद्धि है, वृद्धि मतलब 100 में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 112/1/2% हटाई बटे में 100, आगे सॉल्व किया 800 मल्टीप्लाई 112 × 2, 112 × 2 224 प्लस 1 225/100, एक मिनट, 225/2/100, 225/2/100, 100 ऊपर गया, 800 मल्टीप्लाई 225/200 किया सर, 2 × 0 = 2 4 × 4 = 4, 4×5 इधर लिखता हूँ मैं आंसर, 4×5 = 20 की 0 आंसर लगी 2, 4×2 = 8 और 2×10 की 0 आंसर लगी 1, 4×2 = 8 और 1 = 9, कितना आया 900 ग्राम। इससे भी आ गया, इससे इतना टाइम लगा, इससे इतना टाइम लगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन वाला मेथड, सुनना ढंग से। अब मैं ये मिटा रहा हूँ पूरा, है ना, आप लोगों ने देख ही लिया कितना टाइम लग रहा है। अब देखो 800 ग्राम दाल है और 12.5% की क्या करनी है, मैंने वृद्धि करनी है। सबसे पहली बात, 12.5% का जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो कितनी होती है बताइए भाई। 50% का हो गया हाफ, 25% का 1/4, 12.5 का हो गया 1/8। तो सुनो, अब यहां इसका मतलब है 1/8 की वृद्धि, मतलब सुनना, 1/8 का मतलब क्या है, 8 कुल है मेरे पास और 1 की वृद्धि, कोई भी भिन्न होती है फ्रैक्शन उसमें होता है अंश बटे हर, और अंश बटे हर का मतलब क्या है, अंश का मतलब है उपयोग में लिया गया भाग बटे हर का मतलब होता है कुल भाग, अर्थात 8 तो है कुल और वृद्धि किसकी की, 1 की, तो 8 में 1 की वृद्धि क्या हो गया, 8 और 1 = 9 भाई, 8 में 1 की वृद्धि की तो 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया, नहीं हो गया बताइए, हो गया ना। तो वही कॉन्सेप्ट, ये बेसिक बताया था मैंने आपको, 8 में देखिए इसका परसेंट बनाया 1/8, 1/8 का, 1/8 की क्या की है, वृद्धि, वृद्धि मतलब 8 थे और 8 में 1 की वृद्धि, तो क्या हो गया,
9 बटे 8 हो गया, कर देते हैं एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। 800 गुना 1 बटे 8 की वृद्धि, मतलब 8 में 1 की वृद्धि, 8 में 1 की वृद्धि की क्या आया, 9 बटे में आया 8। ये हटा दूं बेसिक। अब देखिए 8 से कटा, सॉरी 8 से कटा 100 बार और 100 गुना 9, बोलो उत्तर क्या आया, 900 ग्राम। ज़्यादा आसान है जो तरीके हम अब तक पढ़ रहे थे उनसे, ज़्यादा आसान है बिल्कुल भानु प्रताप। 1/8, अब 1/8 की वृद्धि का मतलब क्या है कि 1/8 की वृद्धि का मतलब क्या है कि 8 में 1 की वृद्धि, और जब 8 में 1 की वृद्धि की मैंने तो क्या हो गया, वो 9 हो गया, और 9/8 कर दिया, तुरंत उत्तर आया। 800 का 9/8 निकालना है मतलब 900 ग्राम। आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप प्रैक्टिस कीजिए, अब मैं आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। ये हटा देता हूँ मैं, आप समझ गए होंगे चीज़ों को, और फिर अपन अब बात करते हैं। देखिए अब आपको करना है, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया, आ गया जैसे 300 में 66 सही 2/3, 300 में 66 सही 2/3 परसेंट की वृद्धि करने पर मान प्राप्त होगा। 300 में 66 सही 2/3 परसेंट की वृद्धि करने पर मान प्राप्त होगा। अब यहाँ हमें 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी है और बताना है मान क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। अब आपको करना है, अब आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। भानु प्रताप 500, बिल्कुल सही भानु, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप चीज़ों को, बिल्कुल सही उत्तर, 500 बिल्कुल सटीक है। राखी 500 बिल्कुल सही है बेटा, यही मैं भी चाहता था कि मैं सवाल लिखूं और तुम्हारा उत्तर आए तुरंत। सवाल लिखते ही यदि आपका आंसर आएगा तो मैं भी सोचूंगा कि आप समझ रहे हो चीज़ों को। चलिए इसका 500 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 500, देखते हैं। देखो पहली बात तो 66 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 2/3, 66 से ही 2/3 का मतलब क्या है 2/3। आगे सॉल्व किया, देखो क्या आएगा, 300 में वृद्धि करनी है, ये क्या है 2/3 की वृद्धि, अर्थात 2 में 3 की वृद्धि की तो 2 और 3 5, तो 5/3 करना है, 3 से काटा 100 × 5 = 500, बोलो आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपका 500, क्लियर। अगला प्रश्न आप लिखिए और करके बताइए ऐसे ही तुरंत उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल ऋषि बोला सी सही है, बिल्कुल सी सही है। क्वेश्चन नंबर टू लिखिए, 640 के 12.5% का, सुनना 640 के 12.2% में, प्रश्न को ढंग से सुनना, प्रश्न क्या कह रहा है कहीं गलती कर दो, 640 के 12.2% में 37.2% की वृद्धि करने पर, 37.2% की वृद्धि करने पर प्राप्त होगा, वृद्धि करने पर प्राप्त होगा ए बी सी डी, चार ऑप्शन लिखा दे रहा हूं मैं आपको, ए बी सी डी 90, 110, 440, 720। बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए। दो चीजें, 640 के 12.5%, 640 के 12.2% में 37.2% की वृद्धि करनी है,
33 से ही 1/2% की क्या करनी है, वृद्धि। जल्दी कर दीजिए सर। और क्या आना चाहिए आंसर बताइए। देखते हैं देखो क्या आएगा, देखते हैं। सबसे पहली बात, 640 का 12.5% क्या होता है, 1/8। इसका मतलब 1/8। इसका मतलब क्या होता है भाई, 6×36, ठीक, या फिर 12 करूं, 12×5=36, 12.5% का 3 गुना, इसका मतलब क्या हो गया, 3/8। 1/8 और ये 3/8। अब सुनना, बी आ रहा है, राखी बी बता रही है, बिल्कुल सही है बेटा। देखो 640 का, सुनना ढंग से प्रश्न को, वो कह रहा है 640 के इतने में, मतलब 1/8 में वृद्धि करनी है इसकी। इसकी वृद्धि नहीं है, वृद्धि है 37 से 1/2 की। 640 के 1/8 में 3/8 की वृद्धि करनी है। 3/8 मतलब 8 में 3 की वृद्धि, तो 8 और 3 11/8, 8×8=64, 10×11=110 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। राखी जी बिल्कुल सही है बी, बस थोड़ा सा समय लगा, और ये समय आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल प्रश्न का बहुत जल्दी से उत्तर देना है। चलिए दो प्रश्न और मैं आपको लिखाता हूँ यहाँ से, अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी करके बताना। 918 में 77 सही, 7/9। 918 में 77 सही, 7/9। 77 सही, 7/9% की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। अब मुझे यहाँ क्या करनी है, कमी करनी है किसकी, 77 सही 7/9 की। 918 में 77 सही 7/9 की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, ए 18, बी 24, सी 72, डी 100। 18, 24, 72, 100, एक बार करके बताइए। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जल्दी करके बताइए। 918 में 77 सही 7/9 की कमी, 77 सही 7/9 की कमी करनी है, क्या आएगा। 918 में 77 सही 7/9 की कमी, राखी बी, देखना जरा। 918 में 77 सही 7/9 की कमी करूं, 77 सही 7/9 का मतलब क्या है, 77 सही 7/9 का मतलब होता है 7/9। क्या मतलब था इसका फ्रैक्शन में 7/9, तो देखिए 918 × 7/9 की कमी, मतलब 9 में से 7 की कमी, 9 में से 7 गया तो बचा ही क्या, 2/9, 9 से काटा, 9 एकम 9, 1 में भाग जाएगा नहीं जा रहा है, भाग टूटेगी 0, 9 दूनी 18, 102 का दोगुना किया, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, अर्थात 204 आएगा। आई थिंक ये 24 गलत लिख दिया है मैंने, ये गलत है बेटा, यहाँ 204 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 204 होना चाहिए था, क्लियर है। क्या होना चाहिए यहाँ, 204। एक लास्ट प्रश्न लिखिए, जल्दी से लिखिए और सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न, 9600 के 6 सही 1/4, 9600 के 6 सही 1/4% में 6 सही 2% में 6 सही 2/3% की कमी करने पर प्राप्त होगा, कमी करने पर प्राप्त होगा, बिल्कुल नॉट सही है रागी, सही है नॉट, है ना। और ये भानु प्रताप 204 बिल्कुल सही है बेटा। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, 9600 के 6 सही 1/4% में 6 सही 2/3% की कमी करने पर मान प्राप्त होगा।
छः सही दो बटे तीन परसेंट की कमी करने पर मान प्राप्त होगा, छः सही दो बटे तीन परसेंट की कमी करने पर मान प्राप्त होगा। करिए जल्दी से और जल्दी से बताइए क्या आएगा। कहो तो ऑप्शन दे देता हूँ, ए 560, बी 660, सी 760 और डी इनमें से कोई नहीं, नॉट 560, 660, 760 इनमें से कोई नहीं। करिए जल्दी, करिए क्या आएगा। देखिए ये मैं ही करा देता हूँ, है ना, देखो। लेकिन इनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक चीज़ को घर पे प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पढ़िए, नोट्स बनाइए सुंदर से, उनको फिर रफ में एक बार और करके देखिए, प्रैक्टिस सभी विद्यार्थी करके जरूर देखें। देखो 9600 का 6 से ही 1 बटे 4 का मतलब 6 चौक 24 एक 25 बटे 4 मतलब 25 बटे 400 अर्थात 1 बटे 16 और 6 से ही 2 बटे 3 का मतलब 1 बटे 15 फ्रैक्शन में, तो इसका निकालना है मुझे 1 बटे 16 निकाल लिया। अब इसमें मुझे कमी करनी है गुणा किसकी, 1 बटे 15 मतलब 15 में 1 की कमी क्या बचा, 14 बटे 15 भाई 15 में 1 की कमी की तो क्या बचा बताओ, 14 बटे 15 बचा। और जब 14 बटे 15 बचा तो इसे सॉल्व करते हैं सर, देखो 16 छक्की 99, 15 चौक 60, 14 चौक 56, 560 आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल भानु प्रताप ए आएगा ऑप्शन नंबर ए, राखी 560 बिल्कुल सही है बेटा, 560 उत्तर आएगा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आज हमने पढ़ा, थोड़ा सा इन मच्छरों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और मैं चाहूँगा कल से थोड़ा समय परिवर्तन कर लें क्योंकि ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, एक तो लाइटिंग है तो लाइटिंग की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, या फिर चलिए कल का समय यही रखते हैं अपन, है ना, देखते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो फिर समय चेंज किया जाएगा, आपका समय में परिवर्तन होगा, ठीक है। फिलहाल कल का समय यही है और आगे की बात करेंगे कल, आज का जो वीडियो थी वो यहीं समाप्त करता हूं मैं और कल हम नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज की जो पढ़ाई थी वो सबको समझ में आई होगी, यदि सबको समझ में आई है तो एक बार कमेंट कर दो कि सर समझ में आ रही हैं चीज़ें, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो व्यर्थ है फिर पढ़ाना ऑनलाइन, फिर तो ऑफलाइन ही अपन क्लासेस लेते ही हैं, है ना। और यहाँ पर अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार कमेंट कर दें कि हाँ सर हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से यदि समझ में आ रही हैं, ताकि मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाना रखूँ। और वीडियो को इधर उधर शेयर कर दिया करो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। चलिए तो आगे की बात करेंगे कल और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, वीडियो समाप्त होने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। भानु प्रताप यस सर, चलिए थोड़ा सा मच्छर परेशान कर रहे हैं वरना और 10 मिनट और पढ़ाता मैं, 10-15 मिनट। चलिए अंकित जोशी यस सर, ठीक है बेटा, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभरात्रि, गुड नाइट, मैं मनीष सोनी कल फिर से मिलूँगा आपसे 7:45 पर 0 to 0 वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। चलिए।